नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जंग की। कौन जीतेगा उत्तर प्रदेश का जंग? त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। एक ओर सपा बसपा गठबंधन है तो दूसरी ओर प्रियंका के सारे कांग्रेस अपने आप को फिर से उभार लाने की कोशिश कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी मोदी के जादू पर पूरी तरीके से निर्भर है। जिस तरह से उन्होंने 2014 के चुनाव में क्लीन स्वीप किया था उसी को लेकर के आशान्वित है। और दूसरी ओर उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो कि चालक के कहे जाते हैं अमित शाह, उनका उन पर भी काफी दारोमदार है। यूपी में एसपी बीएसपी गठबंधन के बाद कांग्रेस के भविष्य को लेकर नए नए आकलन किए जा रहे हैं। लेकिन 2009 की अगर हम बात करें तो यूपी के दो लड़कों का साथ पसंद है, यानी राहुल अखिलेश का साथ अब छूट गया है, जिसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। लेकिन साल 2009 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस उभर कर आई थी, स्थिति कुछ वैसी ही बनती दिख रही है। लोकसभा 2009 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन के लिए समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 13 सीटों से ज्यादा नहीं देना चाहती थी। कांग्रेस ने अकेले लड़ने का फैसला किया और सूबे में 18.2% वोट शेयर के साथ 22 सीटें हासिल की थी। ये एक बड़ा बदलाव था क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि उसको ज्यादा सीटें मिले, लेकिन अखिलेश ने उनको वो सीटें नहीं दी थी और कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा था। जब बड़ी रोचक स्थिति बनी थी उत्तर प्रदेश की, 10 सीटें मात्र भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। लेकिन 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप कर दिया था। 80 में से 71 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और 2 सीटें उनकी सहयोगी दल यानी कि अपना दल ने जीती थी। तो अब 2019 की जंग कौन जीतेगा, ये बड़ी बात है। पहले हम एक रिपोर्ट देख लेते हैं और रिपोर्ट के बाद इस पर चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव की नजदीकों के बाद सभी दल यूपी को राजनीतिक अखाड़ा बनाने के लिए बेकरार हैं। सत्ता संग्राम में उतरने से पहले ही दल बदल का बड़ा खेल शुरू हो चुका है। कोई सपा से बसपा में जा रहा है तो कोई बसपा से सपा में, किसी को बीजेपी की नीतियां रास नहीं आ रही हैं तो कोई कांग्रेस से गलभैया करने को तैयार है। इस समय यूपी की राजनीति 3 बड़े धड़ों में बंट चुकी है, जहाँ एक तरफ सपा बसपा का गठबंधन तो दूसरी तरफ कांग्रेस का मैदान में प्रियंका को उतार कर अपना दाव चलना, जिसके बाद बीजेपी भी अकेले सबसे मोर्चा लेने को तैयार है। यूपी के इस चुनावी अखाड़े में किसी पार्टी को कितना नुकसान होगा और कौन पार्टी किसको मात देती है, इस बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस बात का आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सपा बसपा का गठबंधन कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि 38-37 सीटों के बंटवारे के साथ सपा बसपा ने कांग्रेस के लिए सिर्फ 2 सीटें छोड़ी हैं। देखना होगा कि बीजेपी गठबंधन की कार्ड का क्या सोल्यूशन निकालती है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। स्थितियां काफी बदल गई हैं। 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी केंद्र में, 2009 में भी केंद्र की कांग्रेस की सरकार बनी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में क्लीन स्वीप किया और अब 2019 की घड़ी सामने आ गई है। 2019 की जंग शुरू होने वाली है। यूपी पूरी तरीके से सज चुका है। गठबंधन ने अपनी सीटें डिक्लेयर कर दी कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, किस पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, किस पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो वहीं दूसरे दल कांग्रेस ने भी पूरी तैयारी कर ली है। भारतीय जनता पार्टी तो पहले से ही तैयार है। जिस समय से 2014 का रण जीता था उसके बाद से ही 2019 का रण जीतने की तैयारी शुरू कर दी थी। सबसे आगे वही है। मुलायम सिंह यादव भी कह चुके हैं, जो सपा संरक्षक हैं, कि भारतीय जनता पार्टी सभी दलों से बहुत आगे है तैयारी के मामले में। क्या वास्तव में सिर्फ तैयारियां जिता पाएंगी या कुछ और चीजें हैं? क्या होगा उत्तर प्रदेश की जंग में, हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़े हैं, जरा हम पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में अभिषेक राज हैं, वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, के शुक्ला भारतीय जनता पार्टी से, अब्दुल हाफिज गांधी समाजवादी पार्टी से बहुत ही प्रखर प्रवक्ता हैं, और शिव कुमार बेरिया जो कि कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं लेकिन अब समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ करके प्रसपा का दामन थाम लिया, यानी कि शिवपाल यादव के साथ में आ गए हैं और वो कानपुर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं अब से कुछ देर, और सुरेश यादव भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ में
जुड़ गए हैं। हम सबसे पहले भारत के शुक्ला जी के पास भी चलेंगे। के शुक्ला जी, क्या आप दोबारा से 2014 की स्थिति रिपीट कर पाएंगे? यदि कर पाएंगे तो कैसे? देखिए विश्वकर्मा जी, हमारा गंभीरता से प्रयास है कि हम 2014 से कुछ सीटें आगे बढ़े, एक बढ़े, दो बढ़े, तीन बढ़े या पांचों बढ़ जाए, सातों बढ़ जाए। भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तैयारी, पूरी मेहनत से काम करती है। हम केवल बरसाती मेंढक की तरह काम नहीं करते हैं कि चुनाव आया तो एक्टिव हो गए, चुनाव खत्म हो गया तो शांत होकर बैठ गए। भारतीय जनता पार्टी का संगठन दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में वार्ड स्तर से लेकर केंद्र स्तर तक हर वक्त सक्रिय रहता है और हर वक्त हमारे कार्यकर्ता, हम सब लोग एक दिशा में कार्य करते रहते हैं जी। इसलिए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। ठीक है, ठीक है, मेहनत से करेंगे। ठीक है, और मुझे विश्वास है जो परिस्थितियां देश में निर्मित हुई हैं, है, हम भारत देश की। ठीक है, अभिषेक राज जी, आप लोग के शुक्ला जी कह रहे हैं आप लोग चुनावी बरसाती मेंढक की तरह से हैं और जब चुनाव आता है तो बाहर निकल के आ जाते हैं, फिर हाइबरनेशन में चले जाते हैं। कैसे चलेगा भाई, 30 साल से उत्तर प्रदेश में आपका संगठन एकदम मृत प्राय हो गया है। आवाज नहीं आ रही है अभिषेक जी, आवाज नहीं आ रही, लगता है कि अभिषेक जी को आवाज नहीं मिल रही है जी। अरे उनको बोल लेने दीजिए आप, पूरा सवाल तो बोल ही रहे हैं। अभिषेक, सवाल आपने बता दिया। अभिषेक जी, यदि आपको आवाज मिल रही है तो के शुक्ला जी ने जो कहा कि कांग्रेस दोबारा प्रश्न दोहरा दें जी। अभिषेक जी, के शुक्ला जी ने कहा, आरोप लगाया कि कांग्रेस एक बरसाती मेंढक की तरह से है, जब बरसात आती है, चुनावी रूपी बरसात आती है तो आप निकल आते हैं और उसके बाद हाइबरनेशन में चले जाते हैं। यही कारण है कि 30 साल से आप उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन को उर्वरा नहीं कर पाए हैं। देखिए, जिनके ऊपर देश की जनता आरोप लगा चुकी है, जो खुद आरोपी हैं और अब कटघरे में खड़े हो चुके हैं और उनको मालूम है कि वो हारने वाले हैं, तो इस तरीके की बातें करेंगे तो उनका बहुत ज्यादा कोई औचित्य नहीं है ऐसी बातों का। हल्की बातें भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद करी जा सकती है कि वो कर सकती है। चुनाव जो मुख्य मुद्दों पे होने, उन मुख्य मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा। जिनका नाम लेकर और जिनका हल्ला हो हल्ला करवाए थे सरकार में 2014 में, देश को, प्रदेश की जनता को इन्होंने ठगा है और उसका उत्तर इनको बहुत जल्दी मिलने वाला है। 2.5 महीने का और इंतजार कर लें और उसके बाद इनको उसका भली भांति पता चल जाएगा कौन मेंढक है और कौन बिच्छू है और कौन सांप है, जिस तरीके की भाषा का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है। कांग्रेस पार्टी कह चुकी है कि हम 80 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। और शुक्ला जी से मैं पूछना चाहूंगा कि इनके गठबंधन के तो सारे साथी इनको छोड़ के भागते चले जा रहे हैं। आज इनकी केंद्र मंत्री जो है अनुप्रिया पटेल, उन्होंने भी इनका साथ छोड़ने का ऐलान लगभग कर दिया है। ओम प्रकाश राजभर भी इनको आंखें दिखाते हैं, तो ये बंगला उनको देने के लालच देने की कोशिश करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई दिल से नहीं रहना चाहता, ये किसी का सम्मान नहीं करते हैं, चाहे वो पिछड़े हो, चाहे दलित हो, चाहे मुसलमान हो। आपने देखा है, ये चीज बोली अनुप्रिया पटेल ने भी कि भारतीय जनता पार्टी सम्मान नहीं करती। दिल में आपकी बात हो गई, सम्मान अब्दुल हाफिज गांधी जी केवल राजनीति रोटी अब्दुल हाफिज गांधी जी करते जी। अब्दुल हाफिज गांधी जी, 2009 में आपको कांग्रेस का साथ पसंद नहीं आया था, 2014 में जवाब तो देते चलिए विश्वकर्मा जी। नहीं नहीं, बाद में के शुक्ला जी बाद में, पहले सबको चर्चा में शामिल कर लें। अब्दुल हाफिज गांधी जी, 2009 में आपको उनका साथ पसंद नहीं आया था और लेकिन कांग्रेस ने बड़ा शानदार प्रदर्शन किया था, 22 सीटें लेकर के आई थी। अब आपने उनका दामन छोड़ करके बसपा का दामन थामा है, ढाई दशक बाद क्या क्लीन स्वीप कर पाएंगे? देखिए प्रदीप जी, अगर आप जो अलग अलग सर्वे आ रहे हैं उनको अगर आप देखें तो सापा, बसपा और आरएलडी के गठबंधन को मैक्सिमम सीटें मिल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी हमारे ही गठबंधन से आशंकित है और इसलिए इनकी भाषा बदल गई है। आप देखिए, अशोभित भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, सांप, छंछूदर और पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है। जब 12 जनवरी को हमारा गठबंधन अनाउंस हुआ था
तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की रामलीला ग्राउंड में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग चल रही थी और सारी की सारी मीटिंग हमारे गठबंधन पे आके टिक गई, गठबंधन पे प्रहार शुरू हो गए। तो जब आपको लगता नहीं कि गठबंधन इतना मजबूत है तो प्रहार इतनी क्यों कर रहे हैं? क्यों माननीय प्रधानमंत्री जी की मीटिंग, आज सारी की सारी मीटिंग उत्तर प्रदेश में हो रही है, दो दो तीन तीन महीने में पांच पांच बार प्रधानमंत्री जी आ जा रहे हैं। तो इन सबको देखकर लगता है कि सापा बसपा का जो गठबंधन है वो मैक्सिमम सीट उत्तर प्रदेश से निकालेगा। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा मन की बात करती है और इलेक्शन की बात करती है, काम की बात तो ये करते नहीं है। गुजरात में मिशन 150 लेके चले थे, 99 पे आके टक गए। यही हाल इनका जो है कर्नाटक में हुआ, यही हाल इनका जो है अभी आप देखिए कि तीन राज्यों के चुनाव हारे हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव एक को छोड़कर बाय इलेक्शन लोकसभा के नहीं जीती है। तो ये जनता का मूड दिखाता है। और हमने 25 साल से काबिज जहां भारतीय जनता पार्टी थी गोरखपुर में स्वयं चीफ मिनिस्टर की सीट वहां पर हराने का काम किया है। हम इस बार अपने मुद्दे भी ठीक कर आए हैं और अपनी गिनती भी ठीक करके आए हैं। ठीक है, ठीक है। बेरिया साहब से बात करें। बेरिया साहब, आप तो कैबिनेट मंत्री रहे हैं, बड़े पुराने राजनीतिज्ञ हैं, मुलायम सिंह यादव जी के साथ में भी काम किया आपने, तमाम काम किया है। आप प्रसपा में क्या लगता है कि प्रसपा का इस बार उभार होगा या कौन आगे निकलेगा? देखिए, राजनीति सिर्फ सत्ता प्राप्त करने की चीज नहीं है। राजनीति सिर्फ सत्ता बनने, मैंने सिर्फ सत्ता प्राप्त करने की चीज नहीं है। राजनीति समाज सेवा का एक माध्यम है और जब समाज के बीच में हम जाते हैं तो कुछ वादे करके जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने समाज के लिए जो भी वादा किया था पिछली सरकार बनाते वक्त, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। पिछली बार जब ये सरकार बनाने जा रहे थे तो कांग्रेस की जो गलतियां थी या कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार था, लगातार उसी को लगातार उस पर प्रहार करते हुए ये सत्ता में आए। जनता ने बड़ा भरोसा किया इनके ऊपर कि ये सरकार बनाएंगे तो देश को कुछ नई दिशा देंगे। आज अच्छे दिन आने का मतलब था कि आप पेट्रोल पंप में जाइए, अच्छे दिन आपको नजर आ जाएंगे। गरीबी हटाओ का नारा था तो गरीबी हटाओ में सारी चीजों के दाम आप देख लें आज क्या हालत हो रही है। आप बेरोजगारों का हाल देख लीजिए कि हम नौकरी देंगे, आज 1,10,00,000 लोगों की नौकरियां छूट गई नोटबंदी के बाद। नहीं, नहीं, आप अपनी और बात जी, नहीं, आप कहां खड़े होंगे जी? वही मैं कह रहा हूं जी। समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन की बात हो रही है कि गठबंधन को सीटें ज्यादा मिलेंगी, मैं कहता हूं कि ये डरा हुआ गठबंधन है। आज से 20 साल तक लगातार जब हम लोग पार्टी में थे क्या नारा लगता था? चल गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। तो वो तो भाजपा का नारा था, कल्याण सिंह ने नहीं, जिसका भी नारा था। नहीं, नहीं, मायावती का नारा था। मायावती के लिए मायावती जी ने जो नारे उनके कार्यकर्ता लगाते थे यही लगाते थे कि चल गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। वो गुंडा कौन था, किसको कहा जा रहा था? वो गुंडा हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी को कहा जा रहा था, वो गुंडा हमारे नेता शिवपाल जी यादव कहा जा रहा था, वो गुंडा हम लोगों को कहा जा रहा था। ठीक है, ठीक। आज की तारीख में गुंडे चल गए हाथी पर, गोली मार लगाओ में, हाँ गोली मार। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए हम जरा सुरेश यादव जी हमारे साथ में। सुरेश जी, आप तो लंबे समय से कवर कर रहे हैं ये राजनीति को, आपको क्या लगता है कि क्या सिनेरियो बनेगा? तीन जो त्रिकोणीय लड़ाई है, किसका फायदा मिलने जा रहा है इसको? प्रदीप जी, ऐसा है उत्तर प्रदेश में जो स्थितियां बन रही हैं वो पुरानी बलग बलग एक जंग की, वो चुनावी जंग उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। और ये चुनावी जंग जो है अच्छी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को भी मालूम है कि 2014 की जिस लड़ाई को उन्होंने 73 सीट लेकर के आए थे और उस समय अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, लेकिन उनकी सरकार के होने के बावजूद उनकी विफलताओं को वो अच्छी तरीके से भुनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया था। उसी का परिणाम था कि वो 73 सीट लेकर उत्तर प्रदेश में केंद्र में बहुमत की सरकार बनाई थी। आज स्थितियां बिल्कुल विपरीत हो गई है। आज उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और योगी जी की सरकार के क्रियाकलापों के समीक्षा उत्तर प्रदेश के मतदाता करेंगे। और ये जो गठबंधन हुआ है और गठबंधन के साथ उत्तर प्रदेश में जो भाई इलेक्शन हुए हैं, जो मतदाताओं ने अपना मूड दिया है हल्का सा उपचुनाव में, उससे निश्चित रूप से गठबंधन एक ताकत के रूप में तो जरूर उभरा हुआ है, लेकिन उस गठबंधन के ताकत को कम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अच्छी तरीके से मालूम है। उनको ये मालूम है कि हम इनसे कैसे निपटेंगे। और दूसरी बात,
कांग्रेस नेतृत्व को भी अच्छी तरीके से मालूम हो गया है कि उत्तर प्रदेश के बिना हम दिल्ली में सरकार नहीं बना सकते। और कांग्रेस को पता है भी इसी तरीके से उन्होंने अपनी स्टार प्रचारक सुश्री प्रियंका गांधी जी को मैदान में लेकर आ गई है और उत्तर प्रदेश में मुझे लग रहा त्रिकोणीय लड़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो इसका फायदा क्या भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? ठीक है, कांग्रेस नेतृत्व को मालूम है। जी जी ठीक है, हमारा जी ब्रेक पर जाना पड़ेगा। सुरेश जी ब्रेक पर जाना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है जो हम कह रहे थे कि त्रिकोणीय लड़ाई हो गई है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि एक ओर जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावी अपना कार्यक्रम आगे बढ़ा रही है, तो वहीं सपा बसपा ने ढाई दशक बाद यानी कि 25 साल बाद गठबंधन किया है। कांग्रेस ने भी अपनी स्टार प्रचारक प्रियंका को उतारा है और उसके साथ साथ में वो दूसरे छोटे दलों को लेकर के भी आगे बढ़ने की तमाम कोशिश कर रही है, फिर चाहे वो प्रसपा हो या तो और दूसरे दल है, उनको महान दल के साथ में भी उन्होंने अपनी डींगे आगे बढ़ा ली है, अपनी पींगे आगे बढ़ा ली है। लेकिन क्या होगा, कौन जीतेगा ये युद्ध, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल ले लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम सीधा के शुक्ला जी के पास में चलेंगे। के शुक्ला जी, 2014 की बात अगर हम छोड़ दें, क्योंकि 2014 में एकदम क्लीन स्वीप किया था आपने, 73 सीटें उत्तर प्रदेश में जीती थी, क्या कैसे दोहराएंगे उसको? आपका संगठन मजबूत है, कोई शक नहीं है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाणक्य कहे जाते हैं उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तमाम चुनाव हार भी चुके हैं, अभी 3 राज्य के चुनाव हारे हैं, मोदी जी की लहर में अब वो नई ताजी खुशबू नहीं रह गई है जो पहले कभी बहा करती थी, ऐसे में ये चुनाव कैसे निकला, उत्तर प्रदेश की जंग कैसे जीतेंगे आप? देखिए विश्वकर्मा जी, आपकी बात के जवाब के साथ साथ मैं अपने कांग्रेस और सपा के मित्र का भी जवाब दे दूंगा। कांग्रेस के मित्र का जवाब मुझे ज्यादा नहीं देना, क्योंकि हम लोग हल्की बात करते हैं, ये लोग बड़ी गंभीर बात करते हैं और आज भी बहुत गंभीर बात कर गए हैं ये। आज भी इनके दो नेता मनीष तिवारी और थरूर साहब ने बहुत बढ़िया बात कर दी है। आज उन्होंने कह दिया कि जो ये पानी बंद करने वाली बात भाजपा कर रही है ये बचकानी बातें, इसमें कोई दम नहीं है। अरे भाई पाकिस्तान के शुक्ला जी कथन को, शुक्ला जी पाकिस्तान का टेलीविजन दिखा रहा है। शुक्ला जी पाकिस्तान ने कह दिया कि आप अपना पानी रख लीजिए। देखिए ये मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ, ये बड़ा गंभीर है। पहले मेरी बात सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, पाकिस्तान ने कह दिया कि आप अपना पानी रख लीजिए, मुझे जरूरत नहीं है। कि लोकसभा में आंख मारते हैं, सुन लीजिए, दलाली कराते हैं, इधर उधर मत भागिए, तमाम सबूत मांगते हैं। शुक्ला जी इधर उधर मत जाइए, गंभीर है, इनकी गंभीरता का मैं मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। शुक्ला जी ऐसे ही गंभीर बने रहे, दो सीटों पर लिपटते रहे। शुक्ला जी आप इधर उधर मत जाइए, सपा वाले मित्र ने कही, सुन लीजिए बात सुन लीजिए, सपा के भाई ने कही। शुक्ला जी सवाल सुन लीजिए, सवाल ये है कि पाकिस्तान ने भी कह दिया है कि आप अपना पानी रख लीजिए, मुझको पानी की जरूरत नहीं है। मुझे क्या बोल आप जी, आप सवाल तो सुनिए ना। अरे पाकिस्तान ने वो तो अभी 200 रुपए किलो में टमाटर खरीद रहे हैं, आलू भी 200 रुपए किलो में खरीदने लगे हैं, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या होता है, पाकिस्तान क्या करता है। अभी हमारे गांधी जी बोले कि गठबंधन से हम लोग घबरा गए, भाई तो घबरा गए। मुलायम सिंह यादव ने आपके गठबंधन की गांठ खोलने का पूरा इंतजाम कर लिया, कब उन्होंने आपको आईना दिखा दिया। अगर आप अभी भी नहीं समझ रहे हैं अपने संरक्षक की बात, और उन्होंने कह दिया जिसको चुनाव लड़ना है हमको अपने बायो बेटा दे जाए, मैं लड़ाऊंगा चुनाव। आप ये बता दीजिए, पास जानकारी है आप दुष्कर्मा जी जी, समाज मुलायम सिंह जी कहते हैं, समाज मुलायम सिंह जी का कहना है कि दोनों पार्टियां मेरी हैं, समाज जो शिवपाल सिंह बनाए वो भी मेरी है, समाजवादी और जो अखिलेश की वो तो है ही है। ठीक है, दोनों पार्टियों का कैंडिडेट लड़ाऊंगा। सवाल ये बता दीजिए, मायावती कैंडिडेट शुक्ला जी प्रचार करने भी नहीं जाएंगे। शुक्ला जी सवाल सुन लीजिए, सवाल सुनने का मौका रखा करिए। तो हमें हमें इनके गठबंधन कितना मजबूत है ये देख रहा है। सुन लीजिए सवाल ये है, आप अपनी बात बताइए। जहां तक भाजपा की बात है, भाजपा अपने संगठनक ढांचे जी, मैं अपनी बता रहा हूँ, पहले इनका जवाब भी देना जरूरी है। जो हमारे ये राज साहब कह रहे थे मैं बड़ी हल्की बात कर रहा हूँ, भाजपा की बड़ी हल्की बात करते हैं, तो इनकी गंभीर बातें बताना जरूरी हो जाता है ना। अब मैं जो कह रहा हूँ कि मैं अपनी बात देखिए, मैं अपने संगठन के बलबूते पर, अपने कार्यक्रमों के आधार पर, और हम सपा बसपा या प्रसपा या कांग्रेस के फेवर के लिए
बात नहीं करते ना हमको चाहिए, हम देश की जनता की भलाई की बात करते हैं। देश की जनता, सभी लोग देश की जनता की भलाई के लिए बात करते हैं। शुक्ला जी वोट देती है, शुक्ला जी सारे लोग देश की जनता की भलाई के लिए बात करते हैं। कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो देश की भलाई ना करती हो, सारी राजनीतिक पार्टियां देश की भलाई के लिए काम करती है। जनता हमको नंबर देगी और हमें विश्वास है जनता पर, हम फिर नहीं चलेगा, फिर ब्रेक पर जाना पड़ेगा। ठीक है ब्रेक पर जाना पड़ेगा। एक जरा छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर वापस आएंगे और चलेंगे जरा कांग्रेस के पास में, अभिषेक जी के पास में, उनसे जवाब लेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम सीधे चलेंगे अभिषेक जी के पास में। अभिषेक जी 2009 कैसे दोहराएंगे? संगठन आपके पास में है नहीं और जब चुनाव होता है तभी आप चुनाव लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं, उसके बाद आप लोग 4.5 साल तक कहीं दिखाई नहीं देते हैं, 4.5 साल तक कैसे लड़ेंगे चुनाव? देखिए कहना गलत बात होगी, 2009 में जिस तरीके से हम सीट लेकर आए थे और भारतीय जनता पार्टी 2 अंकों में आने के लिए भी संघर्ष कर रही थी, उससे बुरी स्थिति इनकी होने वाली है और हम 2009 से भी ज्यादा सीटें इस बार लेकर आने वाले हैं। कैसे? जिस तरीके से देश की जनता और प्रदेश की जनता का रुख हो रहा है, जिस तरीके से माहौल क्रिएट हो रहा है कांग्रेस के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के लोग, अभी मैं बात सुन रहा था शुक्ला साहब कह रहे थे कि चुनाव लड़ते हैं हम 100 में से 95 पा जाते हैं, तो 3 महीने 2 महीने 2.5 महीने पीछे ही चले जाएं और देख लें कि 3 राज्यों के चुनाव में परिणाम क्या हुआ था, भारतीय जनता पार्टी क्या हासिल हुआ था, उत्तर प्रदेश में बाय इलेक्शन में भी इनका क्या हासिल हुआ था और आम चुनाव में भी इनका वही हासिल होने वाला है। 2 सीटें जीतने वाली पार्टी आज लोकसभा में बैठी है, इतना अहंकार इनको हो गया है, पहली बार इतनी सीटें जीत कर आए हैं और इतना अहंकार, बाय इलेक्शन तमाम राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र सब जगह बाय इलेक्शन हारते चले जा रहे हैं मगर अहंकार में कोई कमी नहीं है। इसी अहंकार की बात अनुप्रिया पटेल कर रही है, प्रकाश राजभर कर रहे हैं, जो इनके अंदर रोक नहीं पाए। अरे गठबंधन ने तो एक ट्रेलर दिखाया है, ये ट्रेलर है आपके लिए कि 25 साल की सीट आपके हरा दी, आपकी डिप्टी चीफ मिनिस्टर की सीट हरा दिया, अभी इंतजार कीजिए, दिल्ली आने दीजिए, आपके साथ होने वाला है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपके साथ होने वाला है। जिस प्रधानमंत्री जी को इतनी संवेदना ना हो कि फोटो खिंचवाने लगे और पुलवामा हो रहा है उसके बाद 3 घंटे तक फोटो खिंचवाया जाए, मौज मस्ती हो, उस प्रधानमंत्री जी को तो नीचे आना ही है, आपको ठीक है अमित शाह जी से पूछिए नोटबंदी में 750 करोड़ रुपए 5 दिन में कैसे जमा होते हैं। गांधी जी ठीक है, राष्ट्राध्यक्ष से जो तड़ी पार रहे हैं, जो तड़ी पार रहे गुजरात में घुसने भी नहीं पाए थे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी खा लीजिए, अरे अमित शाह जी से बड़ा गुंडा कौन होगा जो तड़ी पार रहे गुजरात, ढाई महीना गुजरात में नहीं घुसे, अमित शाह गुजरात में नहीं घुसे, अरे आप पीडीपी के साथ जम्मू कश्मीर में क्या कर रहे थे, पीडीपी के साथ 2.5 साल हनीमून मना रहे थे, अरे ये क्या है, ऐसा डिबेट नहीं चलेगा।
भाई करते हैं आप उसे गांधी जी गांधी रुक जाइए जरा जैसा कि इनकम ठीक है ठीक है कैसे बढ़ जा रहा है ठीक है गांधी जी ठीक है गांधी जी शुक्ला जी आप दोनों के साथ हो जाइए ऐसा डिबेट नहीं चलेगी उसको आप क्या कहो 1500 रुपए अभिषेक जी से बात करते हैं ठीक है ठीक है अभिषेक जी आपने 24 सीटें तय की है जहां तक हमारे पास खबर है आपने 24 सीटें तय कर ली है कि आपको जिसमें गंभीरता से चुनाव लड़ना है जिसमें 2009 में आपने ज्यादा सीटें जीती थी सीएनडीएस की जिसकी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं गांधी जी मैं उस हिसाब से बता दूं कि उसकी जो रिपोर्ट है उस हिसाब से आपने जो रूरल की ज्यादा सीटें जीती थी 2009 के चुनाव में क्या इस बार भी फोकस वही होगा बाकी सीटों पर आप क्या करेंगे देखिए रूरल सीटें हो चाहे अर्बन सीटें हो कांग्रेस पार्टी सारी सीटें जीतेगी ऐसा नहीं है क्योंकि रूरल जो मतदाता है वो भी परेशान है किसान आता है किसान कितना ज्यादा परेशान है वहां पे अत्याचार हो रहे हैं किसानों के ऊपर लाठी भंजवाई जा रही है ये बता दीजिए सरकार बॉर्डर पर उसको किसान के ऊपर और वहीं अर्बन वोटर की आप बात कर रहे हैं तो नोटबंदी हुआ जीएसटी लेकर आए गलत तरीके से इन लोग खुद कायदे से उसको फ्रेम नहीं करके लेकर आ पाए तो अर्बन मतदाता वो भी परेशान है तो यहाँ मतदाता में रूरल अर्बन का डिफरेंस नहीं है भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे उन वादों पे खरी नहीं उतरी है युवाओं के साथ धोखेबाजी करी है महिला उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में आई एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देख लीजिए उत्तर प्रदेश क्राइम में टॉप कर रहा है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसानों की क्या स्थिति है देश में सबको मालूम है अगर हम कर्जा माफी कर देते हैं तो ये राजनीति करने लगते हैं हमने कर्जा माफी करी तो ये राजनीति करना शुरू कर देते हैं इनके अधिकांश जो नेता है प्रदेश के मुखिया है कई इनके प्रदेश के मुख्यमंत्री है सब पे संगीन अपराध के आरोप है सब पे संगीन मुकदमे चल रहे हैं और इनके प्रदेश के मुख्यमंत्री तो यहाँ तक कि अपने खुद के मुकदमे वापस लेना के काम करते हैं युवाओं को कह देते हैं कि हमारे प्रदेश के जो युवा है वो योग्य नहीं है एग्जाम के पेपर लीक होते चले जा रहे हैं किस तरह वापस प्रदेश को लेकर चले जा रहे हैं इसका जवाब आपको 2019 में देना पड़ेगा और जनता मूर्ख नहीं है जनता आपको बहुत कायदे से देख रही है और 5 साल दिल्ली का छींका और ये सब बातें कर रहे थे हुआ है आपके साथ 2014 में अब दोबारा नहीं होने वाला ना आप चुनाव जीतने वाले हैं आपकी स्थिति देखिएगा उत्तर प्रदेश में क्या होगी गुजरात में आपकी क्या स्थिति होगी राजस्थान में क्या स्थिति होगी आप देखते रहिए अच्छा तो आप स्थिति बता दूं आप 2 सीटों में हम सरकार बनाएंगे भाई देश का समर्थन है हमें हम सरकार बनाएंगे आप लोग तो सबको भगा दिया सारे मोदी भाग गए सारे मोदी विदेश भाग गए माल्या भाग गया कोई कार्रवाई नहीं हुई केवल जुमलेबाजी करी गई है पकौड़ा तलने की नसीहत आप युवाओं को देते हैं वही युवा आपको ये स्थिति बना देगा कि आप लोग पकौड़ा तलेंगे जो 500 करोड़ का दफ्तर बनाया की बात कर रहे हैं युवाओं के साथ शानदार दफ्तर बनाया रामलला की बातें करते थे वही बेचारे टाट में पड़े हुए हैं इनके दफ्तर सस्ते चले जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में हर जिलों में एयर कंडीशन दफ्तर बनते चले जा रहे हैं जिले में इनके एयर कंडीशन दफ्तर बन रहे हैं विकास हो रहा है जनता पार्टी के लोग ठीक है ब्रेक पर जाते हैं ब्रेक अगर आप लोग इसी तरीके से लड़ते रहेंगे जनता आपकी बात नहीं सुन पाएगी उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा आप लोग समय पर प्लीज ध्यान से अपनी बात करिए आराम से अपनी बात करिए जिससे करोड़ों लोग आपको सुन सके हमारा चैनल पूरे देश में देखा जाता है फिलहाल ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक ब्रेक के पार आएंगे तो चर्चा का सिलसिला जारी रखेंगे ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हम सीधे चलेंगे जरा शिव कुमार बेरिया साहब के पास में कैबिनेट मंत्री रहे हैं और सपा में लंबे समय तक उन्होंने काम किया है बेरिया साहब आपको क्या लगता है कि सपा बहुत कमजोर हो गई है लेकिन गठबंधन की अगर हम बात करें तो 2.5 दशक बाद ये गठबंधन हुआ है देखिए पिछले आंकड़ों के लेकर के अगर आज हम यहाँ बहस कर रहे हैं भविष्यवाणी कर रहे हैं तो सब ये गलत साबित होगा क्योंकि आज जनता के मन में बहुत भारी उबाल है और देश की जनता अपने आप को अपमानित महसूस कर रही है आप स्वयं कल्पना करिए कि जब पिछली लोकसभा चल रही थी कांग्रेस सरकार में थी तो सदन के अंदर माननीय सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि हम 1 सर के बदले 10 सर लाएंगे और माननीय सुषमा स्वराज जी ने और माननीय स्मृति ईरानी जी ने चूड़ियां भेंट की थी माननीय मनमोहन सिंह जी को आप वो ठीक है आप अपनी बारे में बता दीजिए कि आप कैसे चुनाव जीतेंगे क्या कांग्रेस से गठबंधन हो गया आपका हमारा गठबंधन सम्मानित सीटें अगर हमको मिलेंगी तो हमारे नेता शिवपाल सिंह यादव जी करेंगे कितनी सीटें मांग रहे हैं आप कांग्रेस नहीं सम्मानित नेता हमारे नेता तय करें जी
माननीय शिवपाल जी तय करेंगे, हाँ। उसके बारे में मैं यहाँ नहीं बता सकता, लेकिन सम्मानित सीटें अगर हमको मिलेंगी तो हमारा समझौता होगा, और अगर नहीं होगा तो 80 के 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और 80 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद यदि नतीजे आएंगे, वोट कटवा साबित होंगे, जब नहीं नहीं वोट कटवा नहीं कटवा नहीं होंगे वोट कटवा नहीं हम साबित होंगे, आपको ये पता चलेगा कि ये जो जिस पार्टी को आप नई पार्टी समझकर सबसे कमजोर साबित कर रहे हैं, इस पार्टी का वोट अपने आप बता देगा कि हम उत्तर प्रदेश में कहां खड़े हैं। चलिए सुरेश जी के पास, सुरेश जी ये जो त्रिकोणीय लड़ाई है उसमें सबसे ज्यादा फायदा किसको होता नजर आ रहा है आपके लिहाज से? प्रदीप जी ऐसा है, उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय लड़ाई में अब स्थितियां बिल्कुल जो है बिल्कुल त्रिकोणीय लड़ाई में स्थितियां तो ये बन रही है कि अभी भी बहुत जल्दी होगा रिजल्ट देना, क्योंकि अभी कांग्रेस पार्टी अपने छोटी सहयोगी दलों से बातचीत चल रही है, सपा बसपा का गठबंधन हो गया है, भारतीय जनता पार्टी का जो है जो उनके सहयोगी दल है वो मनाने का काम चल रहा है। इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा देश में है पुलवामा, और पुलवामा की घटना जो है पूरे देश में, अरे ठीक है, पूरे एक राष्ट्रीय जवानों के अंदर, किसानों के अंदर, जवानों के अंदर, एक पुलवामा का मुद्दा जो ऐसा हो गया अभी जल्दी भूल जाएंगे, हमारे देश की जनता बहुत जल्दी भूल जाती है। राज्यपाल कल्याण सिंह जी ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने एक नसीहत दे दी है, धारा 370 खत्म कर दी जानी चाहिए, उन्होंने बहुत एक अच्छी बात कही है, और इसमें तमाम अखबार और समाचार पत्रों में संपादकीय भी लिखी गई है, ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा था, धारा 370 खत्म करने का बहुत सही वक्त आ गया है कि भारत में आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए धारा 370 का खाता होना जरूरी है। अरे भाई के शुक्ला जी, पूरा विपक्ष भी भारत सरकार के साथ, के शुक्ला जी भाई आपने ये जी जी प्रदीप जी, जी जहाँ तक उत्तर प्रदेश का चुनावी सवाल है, जी 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 हाँ सुरेश जी जल्दी से बात पूरी कर लीजिए, बोलिए बोलिए। हाँ प्रदीप जी जी हाँ, जहाँ तक उत्तर प्रदेश का चुनावी सवाल है, यहाँ उत्तर प्रदेश से ही देश की जो है देश को ताज जो है उत्तर प्रदेश की धरती से ही मिलता है। अभी गुजरात के नेता आए थे हार्दिक पटेल, वो भी उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो उत्तर प्रदेश से देश का प्रधानमंत्री बनाते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से निगाहें लगी हुई हैं। ठीक है ठीक है, हर पार्टी की निगाह है, हाँ, सब देश की निगाह, पूरे विश्व की निगाह है, चाहे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर देश पर ज्यादा सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, ठीक है ठीक है, अगर अच्छी सीटें ले जाते हैं उत्तर प्रदेश में योगी जी तो इनके कामकाज की समीक्षा होगी, ठीक है, और अच्छी नहीं ले जाते तो डबल इंजन के कामकाज की समीक्षा होगी, ठीक है ठीक है। के शुक्ला जी आपके डबल इंजन के सरकार के सामने भी चुनौती है, इसी तरीके का अंकुश उत्तर प्रदेश में नहीं लग पा रहा है, ठीक है। के शुक्ला जी आपकी डबल इंजन की सरकार के सामने कड़ी चुनौती है, कैसे पार पाएंगे इस चुनौती से? और पुलवामा में आपने इतना बड़ा शहीद, हमारे 40 जवान शहीद हो गए, अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। विश्वकर्मा जी बहुत आश्चर्य मुझे लग रहा है, आप कह रहे हैं कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा वापस पड़ेगा, हुर्रियत के नेताओं की सुरक्षा वापस ली गई, पानी बंद कर देने की सब काम हो रहे हैं, शुक्ला जी हर चीज का एक तरीका होता है काम करने का, टीवी चैनल पे बैठ के कार्यक्रम नहीं घोषित किए जाएंगे, चैनल में आप लोगों ने ही बयान दिया था, लेकिन इतना निश्चित रख लीजिए पुलवामा पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है, पाकिस्तान को मालूम हो जाएगा कि वो 1951-52 में बना और 2019 में खत्म हो गया, समाप्त हो गया, अच्छा आप देखे जाइए क्या हो रहा है, इसके कई टुकड़े होंगे, एक टुकड़े कई टुकड़े इधर उधर गिरेंगे, नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करिए, प्रधानमंत्री जी पर विश्वास करिए, प्रधानमंत्री जी बहुत संयत होके निश्चित रूप से पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे, ठीक है, देश की जनता उनके साथ है, 135 करोड़ ठीक है, अभिषेक जी हाँ ठीक है अभिषेक जी से सवाल, अभिषेक जी ये जो मोस्ट नेशन का वापस लेना है,
पानी बंद कर देना और हुर्रियत के लोगों की जो जो अलगाववादी नेता है उनकी सुरक्षा वापस लेना, क्या ये पर्याप्त कदम है? उससे देश की जनता इनको वोट दे देगी? देखिए अरे मुझसे पूछा है, हमसे पूछा है, हमें बोलने दीजिए, यही बोलते रहते हैं पूरे टाइम। हाँ बोले, अब देखिए हम अपनी बात रखते हैं, राष्ट्र निर्माण के लिए काम करते हैं। अरे भाई राष्ट्र निर्माण आपका सबने देख लिया, मंदिरें तोड़ दी जाती है बनारस में रोड बनाने के लिए, आप राष्ट्र निर्माण की बातें मत बताए। बिरयानी खाने के लिए बिन बुलाए मेहमान तरह चले जाते हैं प्रधानमंत्री लाहौर इस्लामाबाद, सबने देखा सबने जाना है किस तरीके से तोहफों का लेन देन किया जा रहा था, बिना बुलाए चले जा रहे थे। देखिए गंभीर और कठोर कदम उठाने बहुत जरूरी है पाकिस्तान खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान अपनी आदत से बाज नहीं आने वाला है। हाँ इकोनॉमिक जो सैंक्शन लगाए जा रहे हैं बिल्कुल सही है, पाकिस्तान पे इकोनॉमिक सैंक्शन के साथ साथ हमको जो अपनी पॉलिसी है कूटनीति है उस पर भी हमें कुछ चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है कश्मीर के जो हालात है वो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। आपके समय में भी कम बदतर हालात नहीं थे, गाली दे रहे हैं, लोग मरते थे, दो सैनिक शहीद होते थे, सरकार में थे, तब ये कुछ नहीं करता है। आपके समय में भी हो रही थी, ऐसा नहीं है के साथ इसका जवाब ये नहीं दे पाएंगे, यहाँ पर शहर पर बैठ कर ये नहीं बता पाएंगे, उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी करनी और कथनी में फर्क है, और ये बात बिल्कुल सही है कि ये लोग संवेदनहीन है, जब हमारे जवान शहीद होते हैं शहादत होती है तो उसके राजनीति करते हैं, आपका फाइनल कमेंट रेड कार्पेट वेलकम कराते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए कश्मीर के हालात बद से बदतर हैं, इसलिए आप अगर 10 साल पहले जाएंगे तो जो स्थानीय वक्त थे वो आतंकवादी नहीं थे, वो आतंकवादी अगर होते तो आपको इतनी सूचनाएं नहीं मिलती, जो सूचनाएं आज आपको मिलती हैं कि आतंकवादी कहां छुपे हुए हैं ये कश्मीरी युवक ही आपको देते हैं, कश्मीर के लोग ही आपको देते हैं, तब आप आतंकवादियों को मार पाते हैं। 6 लोगों की रिपोर्ट थी इसके 10 साल पहले कि कश्मीर के सिर्फ 6 युवक लोकल आतंकवादी बने थे, आज की तारीख की रिपोर्ट यह है कम से कम 600 नौजवान आतंकवादी बन चुके हैं। हम बेटे सब कश्मीर की बात नहीं कर रहे, आप मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी क्या चेहरा लेकर जाएगी, राम जन्मभूमि का मामला था, मंदिर बना नहीं, आतंकवाद खत्म हुआ नहीं, एक सर के बदले 10 सर आए नहीं, मसूद अजय आया नहीं, दाऊद इब्राहिम वहीं पड़ा हुआ है, नोटबंदी के बाद आतंकवाद इनका रुका नहीं, रुपया पूरा वापस आ गया, काले धन के मामले में गरीब जनता लाइन पे खड़ी थी, एक उद्योगपति लाइन पर गया नहीं, तो ये रुपया कहाँ चला गया? ठीक है ठीक है, वादे पूरे नहीं हुए, जनता इसका हिसाब मांगेगी 2019 के चुनाव में, देखना पड़ेगा कि कौन। और दूसरी बात ये कि सिर्फ हमारी पार्टी समाजवादी आंदोलन से निकली हुई पार्टी आज हम सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है। और जो लोग समाजवादी आंदोलन पर आपकी पार्टी इस बार खड़ी हो जाएगी, जी बिल्कुल खड़ी हो जाएगी आपकी पार्टी। बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी मेहमानों का शुक्रिया, बेरिया साहब आपका शुक्रिया, के शुक्ला जी, अभिषेक जी और सुरेश यादव जी आप सभी का शुक्रिया। और सवाल यही है कि 2019 की जंग जीतेगा कौन? त्रिकोणीय लड़ाई करीब करीब साफ हो चुकी कि त्रिकोणीय लड़ाई वहां पर होगी, एक ओर सपा बसपा का गठबंधन है तो दूसरी ओर कांग्रेस ने करीब 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार करीब फाइनल कर दिए हैं, और बाकी सीटों पर वो अंदर खाने की जो खबर है वो ये कह रहे हैं कि वो तालमेल करेंगे सपा और बसपा के साथ में। दूसरी ओर अगर हम राष्ट्रीय लोकदल की बात करें तो मामला अभी भी फंसा हुआ है, 3 सीटें देने के लिए तैयार है गठबंधन, लेकिन RLD 5 सीटें मांग रही है, हालांकि दावा कर रही है कि वो उन्हीं के साथ में जाएंगे। अब जीत किसकी होगी, जनता किसके सर अपने ये सेहरा बांधेगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए K News India।